हेलो बच्चों, आज हम लोग आनुवांशिक विसंगतियों से होने वाले कुछ रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। डिजीज ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि ऑटोसोम में, यानी कि आपके 12 क्रोमोसोम में ये रिसेसिव जीन जो है वो रहता है, और यदि ये रिसेसिव जीन माता पिता दोनों से प्राप्त हो रहा है तब ये डिजीज़ के लक्षण नए संतान में दिखेंगे। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन के कारण होता है। इसमें फिनाइल एलेनिन, जो कि एक अमीनो एसिड है, वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की उपस्थिति में, इस एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इस रोग में ये फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाती है। उसकी वजह है कि ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज PAH की अनुपस्थिति की वजह से ये अनुपस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाती है। इसे फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में फिनाइल एलेनिन की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है और यूरिन यानी मूत्र के साथ निकलती रहती है। फिनाइल एलेनिन की कुछ मात्रा शरीर के विभिन्न ऊतकों में भी संग्रहित या जमा हो जाती है, और ये फिनाइल एलेनिन तंत्रिका ऊतक में इसके प्रभाव में भी जमा होती है, और जिसके प्रभाव से मस्तिष्क का विकास भी प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप अल्पबुद्धिता यानी मेंटल डेफिशिएंसी विकसित हो जाती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया की रोग की पहचान का अध्ययन बच्चों में सर्वप्रथम विलियट सेंटरवॉल ने किया था। उन्होंने एक परीक्षण किया और बताया कि स्वस्थ बच्चों के गीले डायपर में यदि 10% घोल फेरिक क्लोराइड का लगा दिया जाए तो घोल पर लगे स्थान पर एक पीले रंग का धब्बा दिखाई देगा, और यदि इस रोग से पीड़ित बच्चे में गीले डायपर पर यह फेरिक क्लोराइड का घोल लगाया जाए तो धब्बे का रंग हरा हो जाएगा। ये लाखों बच्चों में केवल एक बच्चा ही फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग का से ग्रसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे केवल मंदबुद्धि ही नहीं होते, बल्कि ऐसे बच्चों की त्वचा में एक्जिमा, दांतों में त्रुटिपूर्ण इनेमल आदि भी पड़ जाता है। इन बच्चों में सीजर्स भी देखे गए हैं। इस रोग के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भोजन की में प्रोटीन की मात्रा कम करनी पड़ती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति या बालक की बुद्धिलब्धता यानी IQ का स्तर 20 से भी कम देखा गया है।